और ये आप लोगों के लिए पत्रकारों को थोड़ा दिलचस्पी होना चाहिए इसमें, क्या है कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने एक कंपनी बनाई, नाम था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, और उन्होंने दो अखबारों को चलाया उसमें से, उससे उसके जरिए। एक था नेशनल हेरल्ड, नाम सुना होगा, जो लोग आप बहुत नौजवान हैं नहीं सुना होगा, बट थोड़े उम्र के लोग तो निश्चित जानते हैं नेशनल हेरल्ड, और दूसरा है उर्दू में कौमी आवाज। अब दोनों नहीं चल रहे हैं, लेकिन आजादी प्राप्त करने के बाद ये जो ऑफिस है हेरल्ड हाउस 5A बहादुर शाह जफर मार्ग, यहां टाइम्स इंडिया भी है, इंडियन एक्सप्रेस भी था, पता नहीं है कि नहीं, अनेक अखबारों है, सबको स्पेशल अलॉटमेंट कंसेशनल बेसिस पर अलॉट करके आज वो नेशनल हेरल्ड हाउस का कीमत है 600 करोड़। बहुत सेंट्रल जगह में है, इनकम टैक्स के ऑफिस के बगल में एक्सेट्रा। तो ये पहला देखो पेज 14 में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड मिल गया, दैट इज डिफरेंट पेज, एसोसिएटेड जर्नल्स पेज 18 सॉरी क्या है ये 26 फरवरी 2011 का रेजोल्यूशन है, उसका एक संक्षिप्त में दिया है, कौन दिया है, मोतीलाल वोरा, नाम सुना होगा, है कोषाध्यक्ष ऑफ कांग्रेस पार्टी और इसका भी चेयरमैन ऑफ एसोसिएटेड जर्नल्स। चेयरमैन इन्फॉर्म द बोर्ड दैट 9,16,998 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, 9 करोड़ 10 रुपीज ईच माने कितना हो गया 90 करोड़ बी ईच बी अलॉटेड टू यंग इंडियन, ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट। ओके, पहले यहां रुकेंगे और जाएंगे पेज 14? Yes. Okay. Next is 15. 15 में ये यंग इंडियन का है, 15, ठीक है ना, 15 देख लिया आप, यंग इंडियन। तो ये यंग इंडियन को इन्होंने दे दिया, और कौन है उस मैनेजिंग कमिटी में, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, वो तो उनके साथ ही घूमते रहता है, और ये सैम पिट्रोडा, उसका असली नाम सत्यन है, पता नहीं सैम क्यों कहता है कोई गलत फहमी भी सोच ले, उस क्रिश्चियन है और उससे ज्यादा भाव दें सोनिया गांधी, पता नहीं क्या, एनीवे बट करता था तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनका कंपनी जो अभी फिलहाल बनी 2011 में, और वो क्या कहते हैं कि अलॉटेड टू यंग इंडियन, ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एक्सेट्रा इन कंसिडरेशन ऑफ द एक्सटिंग्विशमेंट अमाउंट ऑफ 90 करोड़। अच्छा, 90 करोड़ ड्यू टू यंग इंडियन अंडर लोन फैसिलिटी अवेलेबल बाय द कंपनी, कौन सा कंपनी, यंग इंडियन कंपनी, फ्रॉम ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी। अरे रूल है इनकम टैक्स का कि पॉलिटिकल पार्टी कर्जा नहीं दे सकती, पॉलिटिकल पार्टी किराए में नहीं दे सकती अपनी पार्टी के ऑफिस को। सो ये सारा रूल को तोड़ करके कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपया जो घाटा था इस नेशनल हेरल्ड का,
उसको दे करके इन्होंने क्या खरीद ली, 600 करोड़ रुपए का बिल्डिंग, नेशनल हेराल्ड, 600 करोड़ का बिल्डिंग एंड ऑल बेनिफिट देयर अंडर सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर्ड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी इन फेवर ऑफ यंग इंडियन. अब कांग्रेस पार्टी ने दिया यानी कर्जा दिया यंग इंडियन, और यंग इंडियन को अब सारा यानी जो घाटा थी नेशनल हेराल्ड की, एसोसिएट जनरल की, खत्म, और ये इनका बन गया एंड बोर्ड इज रिक्वेस्टेड टू अप्रूव एटसेट्रा. ये महा फ्रॉड है. और वो दूसरा गया जो यंग इंडियन, ये है 14, मैं 14. अब हो सकता है कि ये अपने ग्रैंड फादर इन लॉ जवाहरलाल नेहरू के लिए सोनिया गांधी ने सोचा होगा कि यंग नेशनल हेराल्ड चला लें. आखिर में ये अखबार जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया. जवाहरलाल नेहरू ने जो भी शुरू किया सब फेल हो गया. सोशलिज्म फेल हो गया, और चाइना पॉलिसी फेल हो गया, कश्मीर पॉलिसी फेल हो गया, तो कम से कम अखबार तो फेल ना हो, यह सोचा होगा, मैंने सोचा. लेकिन देखो 14 पेज में फर्स्ट पैराग्राफ, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इनकल्केटिंग इन द माइंड ऑफ यूथ कमिटमेंट टू आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सोसाइटी फॉर एंटायर पॉपुलेशन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन रिलीजन कास्ट क्रीड टू अवेकन इंडिया यूथ टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज टू प्रमोट फॉरगोइंग ऑब्जेक्टिव. पब्लिशिंग न्यूज पेपर उसमें है ही नहीं, और उसको यूथ कांग्रेस का हेडक्वार्टर्स भी बनाने के कोई नहीं है. ये कुछ कमर्शियल पर्पज के लिए इन्होंने बिल्डिंग ले ली. लैंड अलॉटमेंट हुई थी न्यूज पेपर के लिए, नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज इसके लिए, अब यानी न्यूज पेपर एक्टिविटीज इसके लिए, अब ये सब को तोड़ करके इन्होंने हड़प कर लिया है इसका. ये भी क्रिमिनल केस बनती है, फ्रॉड बनती है, 420 बनती है, बहुत कुछ बनती है. और अभी इसका हम आरटीआई एप्लीकेशंस डाले हैं, कुछ जवाब आने के बाद आगे देखेंगे. तो कुल मिलाकर के 27 कंपनीज में मैंने 2 कंपनीज दी हैं, और इससे भी भयंकर है. परंतु वो उसका जो यानी जैसे वो पत्ता खोलते हैं ना गुलाब फूल का, वो उसमें से एक का निकलता है, या गुलाब फूल बहुत यानी खुशबू आती है प्याज का, वैसे आंसू भी आएगी और आप खोलते खोलते जाएंगे ऐसे. इसीलिए मैंने सोचा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सरल वाला हम करें. और मैं चाहता हूं कि सोनिया गांधी राहुल गांधी दोनों इस्तीफा दें, और इस पर एक एसआईटी बैठाए जाए, क्योंकि विदेशी पैसा भी है इसमें, इसीलिए अनेक एजेंसीज को लाना पड़ेगा, वरना मैं कोर्ट में जाऊंगा. मैं केजरीवाल नहीं हूं कि मारो और भागो और दूसरा केस में चले जाओ, ऐसा नहीं है. तो हम इसमें पूरी तरीके से आखिर तक इसको ले जाएंगे. जो सोनिया गांधी का तो बड़ा इतिहास है चोरी करने का, पहले इंश्योरेंस एजेंट का चोरी किया, फिर मारुति का टेक्निकल डायरेक्टर बन के चोरी किया, उसमें गुप्ता कमीशन जो बैठी थी उन्होंने उनको दोषी ठहराया, परंतु इंदिरा गांधी वापस पावर में आ गई तो सारा रिपोर्ट दब गया. फिर उसने झूठे तरीके से वोटर बन गई जब वो सिटीजन थी. राहुल गांधी जब पैदा हुआ उसको इटालियन सिटीजन बना दिया, किसी को बताया नहीं. कल वो उसकी मिनिस्टर बनने की बात आएगी, पता नहीं वो कल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो फिर हम चिट्ठी लिख देंगे प्रेसिडेंट को कि ये तो इटालियन सिटीजन है, जब पैदा हुआ उसी समय बन गया था इटालियन सिटीजन. तो इस तरीके से सारे मिलाकर के सबसे महाभ्रष्ट परिवार है ये. और इसका पोल खोलने का प्रक्रिया आज से हमने अहमदाबाद में शुरू किया.